देयर आर सम जनरल रूल्स. देखें पहला रूल क्या है. इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, वेयर द एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय पोस्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड. अपन ने पढ़ा. अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टेड, पोस्ट कैसे करना है. However, mere posting of letter of acceptance is sufficient to conclude a contract. Letter must be properly addressed as well as proper stamp. देखो, खाली letter डालने से काम नहीं चलेगा. Law क्या मान के चलता है? Proper acceptance या proper communication कब मानना है? चाहे offer का हो चाहे acceptance का, जो भी हो, जब वो letter properly आपने उस पर address किया है सामने वाले का, है ना, और प्रॉपर उसके ऊपर अगर स्टैंपिंग आपने की, आप जानते हो डाक टिकट लगता है, पोस्टल स्टैंप लगते हैं, वो अगर प्रॉपर है तभी वैलिड कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं. सेकंड देखो, वेयर द लेटर बियर इनसफिशिएंट स्टैंप और इनकरेक्ट एड्रेस ऑफ द ऑफरर ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द एक्सेप्टर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट. सपोज करो मैंने आपको ऑफर किया, वहां से आपने एक्सेप्टेंस भले मुझे 14 मार्च को भेज दिया, लेकिन उस पर ना तो मेरा एड्रेस प्रॉपर लगाया जो मैंने आपको कन्वे किया था, ना आपने उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प लगाए, तो वो कम्युनिकेशन वैलिड कभी होगा ही नहीं और वो एक्सेप्टेंस कभी मानी ही नहीं जाएगी. ये अपने को ध्यान रखना है. लेकिन इफ द एक्सेप्टर पोस्ट द लेटर एट द एड्रेस सप्लाइड बाय द ऑफर, मैंने ही आपको, जैसे मेरे हाउस का एड्रेस है मान लीजिए 70, है ना, मेरा हाउस नंबर जो है वो 70 है, बराबर, लेकिन बाय चांस मैंने ही आपको रॉन्ग सप्लाई करके 17 कर दिया, मान लीजिए मैंने ही गलत बता दिया आपको, तो और ऐसे केस में अगर आपने इस एड्रेस पे भी कम्युनिकेशन सेंड कर दिया है तो लॉ उसको वैलिड कम्युनिकेशन मान लेता है. इफ द एक्सेप्टर पोस्ट द लेटर एट द एड्रेस सप्लाई बाय द ऑफरर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट इवन इफ इट इज इनकरेक्ट. अगर इनकरेक्ट भी है कि मैंने आपको इनकरेक्ट बताया तो आपकी तो कोई गलती है नहीं, तब भी अगर उस गलत एड्रेस पे भी आपने सेंड किया तो लॉ के हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, है ना. प्रैक्टिकली आप सोचोगे सर लेटर तो मिला ही नहीं पर एक्सेप्टेंस कैसे हो गया, बहुत खतरनाक रूल है ये, ध्यान से समझना. वो लेटर किसी और एड्रेस पे पहुंचा, हो सकता है वहां से मेरे पास आ जाए, मेरे पास नहीं भी आया, और अगर सामने वाले ने कल को प्रूव कर दिया कि उसने उसी एड्रेस पर सेंड कर दिया है जो ऑफरर ने दिया, तो फिर वहां वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट बनने का मतलब समझो, अब मुझे वो गुड्स आपको सेल करना ही है. अगर मैंने किसी और को सेल कर दिए तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक आपके साथ, तो बट ऑब्वियस है मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, मैं आपको डैमेजेस पे करूंगा, इतनी बड़ी रिस्क हो जाएगी मेरी, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना. अब थर्ड पॉइंट आपके लिए बहुत जबरदस्त पॉइंट होगा, शायद आपका दिल इस बात को नहीं माने जो अब मैं बताने जा रहा हूं. दिल दिमाग शायद इस बात को नहीं माने, बट मैंने आपको कहा था लॉ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं भी अगर आपको पसंद आ रही है तब भी यू हैव टू फॉलो बिकॉज लॉ है, हमको मानना पड़ेगा. वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर, आपने पोस्ट तो किया बट नेवर रीचेस टू ऑफर, लेकिन मेरे पास कभी पहुंचा ही नहीं और ट्रांजिट में डिले हो गया, इट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस. खतरनाक चीज. देखो आपने प्रॉपर एड्रेस और स्टैम्प लगा के वहां से लेटर पोस्ट किया लेकिन वो लेटर मुझे यहां कभी मिला ही नहीं, तो भी लॉ मानता है वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई, कम्युनिकेशन हो गया उसका, और मैं आपकी एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाऊंगा. बहुत सीधी सीधी सी बात है. सेम एग्जांपल एक देखे रखा है आपको यहां पे. अब आप सोचें सर लेकिन ये ऐसे कैसे, देखो सिंपल है ना, प्रैक्टिकल बनाता है ना सिचुएशन को. सेम एग्जाम्पल, 10th मार्च को मैंने इधर से आपको ऑफर किया, 12th को आपको मिला, 14th को आपने एक्सेप्टेंस सेंड किया जो मुझे कभी मिला ही नहीं, लेकिन आपके वहां से लेटर सेंड करते ही मैं तो बाउंड हो चुका था. बोलो, मैंने कहा था लेटर प्रॉपर आपने पोस्ट कर दिया तो ऑफर के लिए तो कम्युनिकेशन हो गया, यानी मैं तो फंस गया कॉन्ट्रैक्ट में. अब रियल सिचुएशन में क्या होगा सोचो, मैंने आपके एक्सेप्टेंस का वेट किया, आपने तो भेज दिया 16 तारीख, 17 तारीख, 18, 19, 20, चलो 10 दिन वेट कर लिया, आपका कोई जवाब ही नहीं पहुंचा मेरे तक, तो मैं तो क्या मान के चलूंगा, जवाब नहीं आना, रिप्लाई नहीं आना, मतलब रिफ्यूजल. वही हाउस मैंने किसी और को सेल कर दिया और सेल कर दिया, पैसा आ गया, नाउ अभी आपको पता लगा कि मैंने किसी और को सेल कर दिया है, सबसे जबरदस्त चीज समझना, यू हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट मी, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो कि मैंने ऑफर तोड़ा है. अब मैं कोर्ट को बोला हूँ सर आई एम इनोसेंट पर्सन, मेरी तो गलती नहीं है, मुझे लेटर कभी मिला ही नहीं, तब भी कोर्ट बोलेगा यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू दैट पर्सन, क्योंकि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तो हो चुका है.
लेटर पोस्ट हुआ मतलब कम्युनिकेशन तो आपके लिए हो गया है। अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं, जिसकी गलती हुई, पोस्टल डिपार्टमेंट ने अगर लेट किया है तो मैं उनके ऊपर सूट फाइल करूं, उनसे रिकवर करूं, बट मैं चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हूं तो मुझे तो कॉम्पनसेशन पे होगा, मैं आपको कॉम्पनसेशन पे करूंगा ही कि अपने को ध्यान रख रहा है, ठीक है। तो देखने में मैंने आपको कहा था रूल अजीब लग सकता है सर, ये तो बिना गलती के भी, बिल्कुल इसके लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊं, लॉ में नहीं लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली, चूंकि अपन ने लॉ का नॉलेज ले लिया, तो लॉ का जब नॉलेज हो गया तो अपने को क्या करना चाहिए, लॉ में लिखा हुआ कहीं नहीं है, फिर से सारे लोग सुन लें, लॉ में लिखा हुआ नहीं है, अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में सेफ साइड अपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपने को लॉ पता है, किसी और को सेल करने से पहले एक बार सामने वाले को वापस पूछ लो, फोन कर दो ना आप तो उसको, है वापस पूछ लो, अरे भैया वो मैंने तुमको एक ऑफर किया था तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है तो मैं और किसी को सेल करने जा रहा हूं, टाइम इज ओवर। सामने वाला अपने आप बोल देगा अरे मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, अरे झूठ बोल रहा है तू, नहीं एक्सेप्ट किया है, कहां किया। अगर वो प्रूव कर देता है, ये देख यार मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा था, क्या ये देख मेरे पास में रिसिप्ट पड़ी हुई है उसकी जो मैंने सेंड किया था, मैंने तो बराबर भेजा है, तो ऐसे में अपने ऊपर केस होने से मन बच जाएंगे, उसके साथ ही डीलिंग कर लेंगे। नहीं प्रूव कर पाया सामने वाला तो ठीक है बात ही खत्म, अपने को पता लग गया कि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो भी अपन किसी और को सेल कर पाएंगे, तो एक तरह से अपने को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें लॉ में नहीं लिखी हुई हैं, ये प्रैक्टिकली लॉ पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लीगली अपनी सेफ्टी के लिए, वो सारे पॉइंट्स हो गए, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर सीधा सा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, टेलीफोन या फैक्स। मैंने आपको बताया इन मॉडर्न टाइम्स ऐसा केस रेफरेंस यहाँ पे जो जैसे हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस वर्सेस ग्रांट का, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। इन मॉडर्न टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफन मेड बाय टेलीफोन फैक्स मशीन, अपने पढ़ा, therefore the question arises as to when in such cases the contract is concluded, communication of acceptance, underline karna hai, communication of acceptance by telephone or fax is complete when the acceptance is received by the offeror, maine aapko bola na telephone ya fax jab samne wale ko mile, the contract is concluded as soon as the offeror receive or hear the acceptance, telephonic mein communication kab complete hota hai, jab samne wale ko proper sunai de jaye। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रिंसिपल दिया भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड सन्स के केस में, जहां फोन पे एक्सेप्टेंस हुई तो मैटर डिस्प्यूट पर आ गया कि भाई बोलना जरूरी है या सुनना जरूरी है, तो कोर्ट ने बोला नहीं, आपने खाली बोल दिया, कम्युनिकेट कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा, जब तक सामने वाले को सुनाई न दे, प्रॉपर हियरिंग नहीं हो, तब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना था, ठीक है, सिंपल है। नाउ लास्ट एक दो रूल्स अपने पास से बचे हुए हैं, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैं जोधपुर में हूँ, आप जोधपुर से बाहर हैं, मान लीजिए आप अगर महाराष्ट्र में हैं, चाहे आप बिहार में हैं, चाहे आप यूपी में हैं, चाहे आप गुजरात में हैं, जिधर भी हैं, मैं राजस्थान में हूँ, बराबर जोधपुर में हूँ, अब आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अगर कल को डिस्प्यूट हो गया तो केस करना पड़ेगा ना, तो किधर केस होगा, इधर राजस्थान हाईकोर्ट में केस करूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, या आप जा रहते हो वेदर महाराष्ट्र हाई कोर्ट हो, चाहे बिहार हाई कोर्ट हो, चाहे यूपी हाई कोर्ट हो, चाहे गुजरात हाई कोर्ट हो, एमपी हाई कोर्ट हो, जिधर आप रहते हो वहां पे केस होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस क्या है, है ना, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देख लेते हैं प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, पोस्ट से अगर हो रहा है, द प्लेस वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिधर से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ है, जहां के लिए पोस्ट नहीं हुआ, जहां से पोस्ट हुआ है, समझना इस लाइन को, तो बहुत क्लियर कट हो गया, यानी यहां पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अगर पोस्ट में हो रहा है तो आपको वहां पे इस चीज को नोट कर लेना चाहिए, वहां प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा प्लेस ऑफ ऑफरी, ऑफरी का प्लेस, आप लोग सारे लोग नोट डाउन कर लेंगे वहां पे, अगर पोस्ट से हो रहा है तो जहां सेल लेटर पोस्ट हुआ, तो बट ऑब्वियस है मैं ऑफरर हूं आप ऑफरी हो, तो लेटर तो आपने वहां से पोस्ट किया ना यहां के लिए मुझे, तो चूंकि आपने वहां से ऑफरी के प्लेस से पोस्ट हुआ है तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा जो ऑफरी का प्लेस है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, अगर एक्सेप्टेंस गिवन बाय टेलीफोन और फैक्स है तब कॉन्ट्रैक्ट कहां माना जाएगा, जहां पे वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव। आप सोचो आप इस वक्त में यूपी में हो और यूपी से आपने फोन से मुझे एक्सेप्टेंस दिया, तो मैंने एक्सेप्टेंस कहां पे रिसीव किया, राजस्थान के अंदर, तो अगर फोन से हो रहा है तो
प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा माना जाएगा? प्लेस ऑफ ऑफरर, प्लेस ऑफ ऑफरर। पोस्ट के केस में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ऑफरी का प्लेस, और फोन में माना जाएगा ऑफरर का प्लेस, है ना। पोस्ट में जिधर से पोस्ट किया गया यानी ऑफरी का प्लेस हो गया, और फोन में जहां पे फोन रिसीव किया गया यानी कि ऑफरर का प्लेस हो गया। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, वेयर द एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय टेलीफोन और फैक्स द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव। इन भगवान दास वर्सेज गिरधारी लाल, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंडोर्स द प्रिंसिपल इन दिस केस प्लेंटिफ ऑफर्ड ऑन फोन फ्रॉम अहमदाबाद, है ना, टू डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जानते हो केस करने वाला, डिफेंडेंट मतलब सामने वाला। तो प्लेंटिफ ने ऑफर फोन से किया था अहमदाबाद से, कहां पे? कामगांव में। डिफेंडेंट सामने वाला कहां था? ऑफरी, कामगांव में। और वहीं से उसने फोन पे ही एक्सेप्ट किया। तो कामगांव से जब फोन पे एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेंस कहां सुनाई दी गई, कहां पे मिली? बट ऑब्वियस अहमदाबाद में मिली। तो द एक्सेप्टेंस वॉज हियर्ड या रिसीव्ड एट अहमदाबाद, हेंस अहमदाबाद वॉज हेल्ड टू बी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए उसी को प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ये अपने को रूल ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट दो पॉइंट अपने पास में, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अभी लेटर आपने पोस्ट किया वही कॉन्ट्रैक्ट का टाइम हो जाएगा। टेलीफोन और फैक्स से होता है तो तब होता है जब सामने वाले ने रिसीव किया हो, आप जानते हो जब कम्युनिकेशन हुआ हो। अलग अलग चीजें हैं दोनों की जगह पे, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन अपन पढ़ चुके हैं, वेयर द एक्सेप्टेंस इज सेंड बाय लेटर बाय पोस्ट एंड रिवोकेशन एक्सेप्टेंस इज सेंड बाय टेलीग्राम, मैंने आपको बताया था, एंड दे रीच टुगेदर, और दोनों साथ में पहुंच गए, अ पर्सन इज मोर लाइकली टू ओपन टेलीग्राम फर्स्ट। मैंने कहा था प्रूडेंट पर्सन, कॉमन मैन पहले टेलीग्राम पढ़ेगा, उसको लगेगा इसमें कुछ ज्यादा अर्जेंट है, देयरफॉर द एक्सेप्टेंस विल बी ट्रीटेड एज रिवोक, और वहीं पे फिर एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन अपन मानेंगे। दीज आर सम रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। CACS एंड CMA से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्कैनर क्लासेस के चैनल को और दबाएं ये बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। Thank you for watching.